हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। जितने भी न्यू यूज़र हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो देख सकें जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और जिन लोगों ने भी अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है और ट्विटर पे फॉलो नहीं करा है, फेसबुक पे फॉलो नहीं करा है, वो कोड फॉर एजुकेशन को तीनों ही प्लेटफॉर्म पे फॉलो करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है आपका, मैं वैसे बेसिकली न्यू सीरीज ला रहा हूँ आपके लिए, ये बूटस्ट्रैप 5 की। बेसिकली अल्फा आया है अभी, ये स्टेबल वर्जन नहीं है ना बीटा वर्जन है आपका। तो अल्फा में होता है क्या है कि ये लॉन्च पहले कर देते हैं बट आपको इसमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता कि कि आपको एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बने रहिए वीडियो के लिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और जो इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं बूटस्ट्रैप 4 और 5 के बीच में, और क्या चेंजेस आने के बाद आपको कैसे कैसे चीजों को यूज करना है वो सब मैं बताऊंगा। बट उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, मैं एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोगों को हर टॉपिक प्रॉपरली क्लियर हो और देन आप उसको यूज कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता मैं बता दूं और देन उसके बाद कोई यूज ही ना कर पाओ आप उस चीज का। ओके, तो देखिए सबसे पहले अब बूटस्ट्रैप 5 को आप सबसे पहले सर्च कैसे करेंगे। बूटस्ट्रैप 5 लिखेंगे आप गूगल पे। ओके, बूटस्ट्रैप 5 लिखने के बाद सबसे पहले आपको mdbootstrap.com 5 का आएगा। बेसिकली इसका क्या फुल फॉर्म है, इसका है आपका मटेरियल डिजाइन बूटस्ट्रैप। ओके, मटेरियल डिजाइन बूटस्ट्रैप है क्या, जैसे कि जो हमारी बूटस्ट्रैप है वो ऑफिशियल है, ऑफिशियल के बाद जब वो बूटस्ट्रैप आ जाती है देन मटेरियल वाले क्या करते हैं उसको मॉडिफिकेशन करके और इम्प्रूवमेंट करके और अच्छी तरह से उस चीज को मॉडिफिकेशन करके अपनी क्लासेस बना के उसको और अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए ये चीज यूज करते हैं। देन सेकंड आपको ऑप्शन मिलेगा getbootstrap.com, ये आपका ओल्डर जो आपका चल रहा है वो चीज है आपका। एट थर्ड वन आपका होगा blog.getbootstrap.com। ओके गाइस, तो इस वाले वर्जन को हम खोलेंगे। तो मैंने पहले का सबसे पहला लिंक खोल लिया है आपका मटेरियल डिजाइन बूटस्ट्रैप, बिकॉज इसमें जो चेंजेस है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकेंड मैंने ब्लॉग खोल लिया प्रॉपर, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले क्या है कि बूटस्ट्रैप 5 में क्या हट गया है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, क्या रिमूव किया गया है एंड क्या एड ऑन हुआ है उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूज में आ रही है चीजें वो है आपका, सबसे पहले jQuery हट गया है। सो गाइज, सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट है बूटस्ट्रैप 5 का वो यही है कि jQuery रिमूव हो गई है। बिकॉज आजकल आपने देखा होगा कि कि जावा स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा बड़ी लैंग्वेज बन चुकी है ग्लोबली, जिसकी वजह से फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों को कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसलिए बूटस्ट्रैप वालों ने भी ये सोचा होगा कि कि jQuery की डिपेंडेंसी को खत्म करते हैं और हम भी जावा स्क्रिप्ट पे आते हैं। ओके गाइस, तो ये बहुत अच्छा मूव है इनका। एंड सेकेंड जो यहाँ पे लिखा है आपका स्विच टू वेनिला जावा स्क्रिप्ट, तो इन्होंने क्या किया है कि जावा स्क्रिप्ट ही है वो, बस उसका नाम हम उसको वैनिला जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं। ओके गाइस, एंड सेकंड इन्होंने करा क्या है कि आपका ड्रॉप इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 एंड 11 सपोर्ट। अभी तक क्या था कि हमारा जो बूटस्ट्रैप 4 था 3 था उसमें क्या होता था कि इंटरनेट 11 था ना जो, उससे नीचे लोअर वर्जन में भी आपका बूटस्ट्रैप सपोर्ट करता था बट अब नहीं करेगा बिकॉज इन्होंने रिमूव कर दिया है वो। एंड इन्होंने ग्रिड सिस्टम को इम्प्रूव किया है, ये तो हम देखेंगे लेटर ऑन कि क्या क्या चीजें आई हैं, क्या ऐड ऑन हुआ है। एंड इम्प्रूव किया है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करने की क्या जरूरत पड़ गई बूटस्ट्रैप को। बूटस्ट्रैप क्या था कि जब हम न्यू यूजर थे या ओल्डर थे तो हर किसी को जिसको पता था तो वो यूज कर पाता था, बट न्यू यूजर को क्या था थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती थी समझने में कि कि बेसिकली इस चीज का यूज क्या है। वो एक एडिटर दे देते थे, एक पैच दे देते थे, देन उसके बाद हम उस चीज को यूज करते थे, वो एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं बनाते थे। बट इन्होंने ट्राई किया है कि उसको भी इम्प्रूव किया जाए, बहुत अच्छा मूव है। एंड सेकंड क्या है आपका, उसके बाद है आपका इम्प्रूव मोडलिटी।
अब इसमें क्या है कि आपका जो चेंजेस हुए ना फंक्शंस को रन कराने के लिए, वो इन्होंने इस चीज में चेंजेस करे हैं, मॉडल्स को चेंज किया गया है, कैसे आप यूज कर पाएंगे, क्या चलेगा आपका प्रॉपर, ये भी देखेंगे हम आगे। अब उसके बाद इन्होंने जो यूज किया है गाइस वो है आपका इम्प्रूव्ड फॉर्म। अब फॉर्म्स क्या है कि इम्प्रूव क्यों करने पड़े, क्यों ऑर्डर जब हम देखेंगे, हम जब डिजाइन करने जाएंगे तो बूटस्ट्रैप 4 और 5 के फॉर्म्स में बहुत सारी चीजें डिफरेंस में आएगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हैं और हम क्या पढ़ने वाले हैं इस सीरीज के अंदर, ये क्योंकि प्रॉपर एक सीरीज होने वाली है। मैं कोई एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज एक वीडियो में आप जब देखते हैं तो लाइक मेरे हिसाब से आप बोर हो जाते हैं एंड मैक्सिमम पॉइंट्स छूट जाते हैं हमारे, जिस पे हमें हमारे को फोकस करने की जरूरत होती है गाइस। ओके, और न्यू रिस्पॉन्सिव फॉन्ट। अब न्यू रिस्पॉन्सिव फॉन्ट क्या है, अब आपने देखा होगा कि हमारे इंडस्ट्री में और हम जब यूज करते हैं फॉन्ट को तो हम रिस्पॉन्सिव के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि लाइक डेस्कटॉप पे चले, आपका लैपटॉप पे चले, टैब पे चले, फोन पे चले, तो हम कैसे उसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास REM होता है, EM होता है और पिक्सल भी है। पिक्सल तो खैर रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। तो गाइस इस चीज को हमें आगे देखने को मिलेगा कि लाइक इन्होंने क्या चेंजेस करे हैं उनके अंदर। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है आपका न्यू यूटिलिटीज एंड हेल्पर्स। बेसिकली न्यू यूटिलिटीज में क्या था कि आपने देखा होगा कि हमारे पास क्लासेस होती हैं बनी हुई जो कि हम कॉल करा के लेस देन CSS कि हम यूज ही ना करें CSS, उस चीज को हम इसको प्रेफर करते हैं और हेल्पर भी उसी में है वो चीजें। ओके, फिर है देन आपका इजियर कस्टमाइजेशन एंड थीमिंग। तो ये चीज भी हम देखेंगे कि लाइक कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, पहले भी कर पाते थे बट अब इन्होंने उनमें क्या चेंजेस करें। लाइटर पैकेज कि लाइक कि पहले इनका पैकेज थोड़ा बड़ा होता था, लोड कराने में टाइम जाता था, उस चीज को इन्होंने लाइट कैसे करा। एंड लास्ट वन क्या है आपका न्यू API अवेलेबल। अब इसमें देखते हैं हम इन्होंने क्या क्या न्यू अवेलेबल करी है API। ओके गाइस, सो मूव ऑन करते हैं हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे आते हैं, बूटस्ट्रैप 5 पे। ये लिंक कौन सा है आपका, ये लिंक है आपका बूटस्ट्रैप 5 का ब्लॉग वाला। ओके गाइस, अब क्या है आप अभी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आपको नहीं मिलेगा, अभी आपको वही 4.5 जो लास्ट अपडेट आया था बूटस्ट्रैप को वही मिलने वाला है, नया नहीं मिलने वाला। तो नए को आप देखने के लिए क्या करेंगे कि लाइक यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 आपके सामने लिखा हुआ है अल्फा, देन इंट्रो वीडियो डाली हुई इन्होंने, अब उसमें लिखा हुआ है कि वेरी फर्स्ट अल्फा हैज अराइव्ड। ओके, सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने नो लॉन्गर jQuery, जो कि मैंने अभी आपको पहले बता दिया है कि इन्होंने jQuery की रिमूव कर दिया है एंड इन्होंने सपोर्ट खत्म कर दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर का, बिकॉज वो अपडेट हो नहीं रहा, आउटडेटेड हो चुका है। क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, इन सब चीजों का ट्रेंड है जो ब्राउजर में चल रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर अपने आप को नहीं कर पा रहा अपडेट, इसकी वजह से इस फ्रेमवर्क ने ये डिसीजन लिया होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट है आपका न्यू लुक एंड फील। लाइक आप समझ रहे हैं इन्होंने न्यू लिप के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइक कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन पे इन्होंने टाइम और जोर दिया है कि हम भी कुछ ऐसी चीजें कर सकें कि पहले से मॉडिफिकेशन हो उसमें। jQuery एंड JavaScript बेसिकली आप देख पा रहे हैं, CSS कस्टम प्रॉपर्टीज इन्होंने देखे, टेबल के लिए क्लासेस बनाई आई थिंक और जो कि नहीं थी हमारे पास पहले एक लिमिटेशन में हम काम करते थे टेबल के लिए। इम्प्रूव कस्टमाइजेशन डॉक, आप देख रहे हैं इन्होंने डॉक के लिए कस्टमाइजेशन थोड़ी अच्छी करी है लाइक कि आप पढ़ के उस चीज को सीख सके। एंड उसके बाद आप देख रहे हैं कि लाइक यहाँ पे NPM प्रोजेक्ट कैसे आप यूज कर सकते हैं, अपडेट फॉर्म्स, लाइक ये सबसे बड़ा हाईलाइटेड है इसके अंदर कि लाइक कि फॉर्म्स बेसिकली सबसे ज्यादा यूज करा जाने वाली चीज है लाइक हमारी वेबसाइट में, और यूजर इंटरफेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो कि आप अपने जितने भी यूजर हैं उन चीज को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी अर्निंग एंड वेबसाइट थ्रू जो भी हो। लाइक आप यहाँ पे डिफॉल्ट चेकबॉक्स देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे कस्टमाइज पहले से ही टॉगल, रेडियो बटन, चेकबॉक्स पहले से कस्टमाइज है, राइट गाइस, देख पा रहे हैं आप, यही मेरे को लग रहा है सबसे बड़ी चेंजेस है इन्होंने इसमें बोला गया है। एंड यूटिलिटी इन्होंने API को भी इन्होंने चेंज करा है इसके अंदर, वो भी हम देखेंगे आगे चल के। ओके, अब बात करते हैं कि आप वेबसाइट पे कैसे जाएंगे। जब आप इस ब्लॉग वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे ना गाइस तो उसके बाद आपको करना क्या होगा कि आप सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे, जब आप यहाँ इम्प्रूव डॉक पे आएंगे ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट पे ये लिंक ले जाएगा जिसके आगे आपका यहाँ पे V5 करके आ रहा है। ओके गाइस, V5 गेट बूटस्ट्रैप। ओके,
बेसिकली हम 5 में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ड्रॉप डाउन में आपका लेटेस्ट 5.0x है। ओके तो यहाँ पे ये चीजें आ चुकी हैं हमारी, ये वेबसाइट पे आप गो थ्रू करेंगे यहाँ से, एंड इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल करते हुए चलेंगे चीजों को, कि जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या क्या नई नई चीजें आई हैं। अभी के लिए मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि ये है बूटस्ट्रैप 5। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे होता है। तो बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, एंड फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे आप फॉलो करिए कोड फॉर एजुकेशन को, बिकॉज ये सीरीज सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है अभी तक की इस चैनल की। थैंक यू सो मच, बाय बाय।